सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम मॉडल ड्राइंग में घनाकार डब्बा बनाएंगे एक, और उसको बनाने के लिए हमने एक बेस लाइन लेनी, जैसे कि हम लेते हैं इस तरह से। हमने शीट को अपनी जो भी हमारा बेस पे है, जैसे हमारे पास ड्राइंग फाइल है या गत्ता है, कुछ भी है, उस पर रखनी है। और यहाँ से हमने एक बराबर से इस तरह से हमने एक बेसिक लाइन लगानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं हल्की हमने लाइन लगानी है इस तरह से सीधी। ये तरीका सिर्फ सीधी लाइन लगाने के लिए, यदि आपको ऐसे भी सीधी लाइन लगानी आती है तो आपको ऐसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने ये पेज रखना है। और हमने घन बनाने के लिए, हमने जो घनाकार बनाना है वो हमने असमानांतर रेखा पर बनाना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से दो हम जो है रेखाएँ वो असमानांतर लेंगे यहाँ से। तो हमने पहले क्या करना है, यहाँ से हमने लाइन लगानी है इस तरह से। ऊंचाई में इस तरह से आप देख सकते हैं इस रेखा के समानांतर। और यहां से भी हमने जितनी लाइन हमने यहां लगाई है, यहाँ पे हमने लगाई है इतनी लाइन हमने जो है वो यहाँ पे भी लगानी है, इस साइड भी लगानी है हमने। इस तरह से इससे क्या होगा, जो हमारा घन है वो हमारा बिल्कुल बीच में बनेगा इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसका हमने लेना है सेंटर। ये हमारा है, इतनी हमारी ये रेखा है, तो इसका हमने सेंटर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं पेंसिल से आइडिया से हमने इसका लगभग हमने सेंटर लेना है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे इसका सेंटर है। यहाँ से हमने, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से दोनों कोने हमने एक बराबर उठाने हैं यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से भी हमने लगभग इतना ही लेना है, आप ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी लाइनें जो लगेगी वो फिर हमारी बराबर लगेगी यहाँ से इस तरह से। जैसे हम ये रेखा ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम जो है उसको इस तरह से हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जितना है उतना ही हमारा ये, क्योंकि घन की जो है वो सारी भुजाएं जो है, सारी साइडें जो है वो बराबर होती है। और घन में छह फलक होते हैं, छह साइडें घन में होती है, तो हमें घन की हमेशा जो है वो तीन साइडें दिखती है इस तरह से। और हमने क्या करना है, जैसे ये रेखा हमारी है इस तरह से, इसी के समानांतर हमने रेखा जो है यहाँ से लगानी है सीधी बिल्कुल इस तरह से। अब जितना ये है हमारी एक साइड जितनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जितनी एक साइड है उतना ही हमारी जो है यहाँ पे ये हाइट आनी, यहाँ पे हमारी हाइट आ रही है ये आप देख सकते हैं। तो जितनी हमारी हाइट है यहाँ पे इतना ही हमारा ये कॉर्नर चाहेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे। अब हमने इसको भी जो है वो मिला देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने कार्य करना है इस तरह से। आप देख सकते हैं हम इसी रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये चौथा कोना निकालने के लिए ये रेखा हमारी है, इसके समानांतर हमने यहां से रेखा खींचनी है इस तरह से, लंबी सी हम रेखा खींच देते हैं इसके समानांतर। क्या देखिए इसके समानांतर बिल्कुल लग रही है। और जो ये रेखा है, ये रेखा है यहाँ पे, ये रेखा इसके समानांतर हमने रेखा यहाँ से खींचनी है बगैर किसी पुट्टे के सहायता से इस तरह से। इस तरह से ये हमारा घन जो है वो बन जाएगा।
अभी हम जो है वो सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, और सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपको सीधी लाइनें लगानी आनी चाहिए। अभी आपने इसके एंगल पे भी नहीं जाना है कि इसका एंगल कैसे बना है। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, अभी सिर्फ आपको लगानी आनी चाहिए लाइनें, कि हमने सीधी लाइनें लगाने की कोशिश करनी है। बाकी यदि आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो उसको सुधारो, और घबराओ मत कि सीधी लाइनें हमारे से नहीं लगती, लग जाएगी जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपने इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब हमने इसमें शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए हमने जो है वो नीचे, इसके नीचे अखबार रखना है, बहुत सारा मोटा सा अखबार हमने इसके नीचे रखना है ताकि शेडिंग हमारी अच्छे से हो। और इसको हमने थोड़ा सा ढक भी लेना है ताकि हमारी शीट दूसरी गंदी ना हो। और यहाँ से हमने इसमें एक फ्लो में शेडिंग करनी है, और ये जो लाइन हमने लगा रखी है ये लाइन हमारी इसमें मिक्स हो जानी चाहिए इस तरह से। अभी सिर्फ आपने इसी तरह से हल्की शेडिंग करनी है, अभी आपने लाइट डार्क के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी आपको सिर्फ हल्की शेडिंग करनी आनी चाहिए। इस तरह से आपकी पेंसिल जो है वो सही चलानी आपको भी आनी चाहिए। आपको लाइट डार्क भी सिखा देंगे जब आपको दूसरे ऑब्जेक्ट करवाएंगे। हमेशा लेफ्ट साइड से रोशनी पड़ती है, जो स्टूडियो लैंप होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। जब हम इस तरह से कार्य करते हैं सिर्फ मॉडल ड्राइंग के लिए, डार्क रूम में जाकर कार्य करते हैं, तो डंकी डेस्क पे स्टूडेंट बैठे होते हैं और लेफ्ट साइड से रोशनी पड़ती है, तो जब इधर को रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे जो है ना डार्कनेस ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से हमने इसको डार्कनेस देनी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रोशनी सीधी पड़ रही है, तो ये इस पे लाइट है, यहाँ थोड़ी सी इधर से पड़ रही है, बट इसको थोड़ा सा हम डार्क दे रहे हैं क्योंकि ये निचली साइड है, और यहाँ हम इसको ज़्यादा डार्क देंगे। आपने अभी जो है वो सिर्फ HP पेंसिल से ही आपने शेडिंग करनी है। इस तरह से आपने इसमें शेडिंग करनी है, और हल्के हाथों से आपने कार्य करना है। आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिस एंगल पे आप शेडिंग कर रहे हैं आपने उसी एंगल पे करनी है। उससे तो आपकी कोशिश रहेगी कि आपने इसमें 60 डिग्री में शेडिंग करनी है, और जिस एंगल से आप कर रहे हैं, जिधर को आपने पेंसिल चला दी है उधर को फिर आपने क्रॉस नहीं करना है। आप यहाँ से इधर को कर दो, यहाँ से इधर को कर दो, अगर यहाँ से इधर को करें तो यहाँ से भी इधर को ही करनी है, मतलब एक ही एंगल आपने पकड़ना है, आपने दूसरे एंगल से शेडिंग नहीं करनी। या आपने विशेष ध्यान इसमें शेडिंग करते वक्त रखना है। बाकी जो आपके पास पेंसिल अवेलेबल है आप उसी पेंसिल से शेडिंग करिए, ये आपकी सही हो जाएगा धीरे धीरे से। फिर आपको लाइट डार्क के विषय में बता देंगे कि आपने लाइट डार्क के लिए कौन कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है। अभी HP की पेंसिल आपके पास है तो उन्हीं पेंसिलों से आपने इसमें अभी हल्के हाथ से कार्य करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।